विश्व विख्यात पर्यटन नगरी धर्मशाला स्थित दानडू के निजी घर के कमरे में 250 से 300 वर्ष पुराना हाथ से लिखा गुरु ग्रंथ साहिब गद्दी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक परिवार के पास मौजूद है। इस गुरु ग्रंथ साहिब को धर्मशाला स्थित दानडू के एक निजी कमरे में गुरु द्वारा बनाकर रखा गया था। हाथ से लिखे इस गुरु ग्रंथ साहिब का इतिहास भी काफी रोचक है। विश्व विख्यात पर्यटन नगरी धर्मशाला स्थित दानडू के निजी घर के कमरे में 250 से 300 वर्ष पुराना हाथ से लिखा गुरु ग्रंथ साहिब गद्दी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक परिवार के पास मौजूद है। इस गुरु ग्रंथ साहिब को धर्मशाला स्थित दानडू के एक निजी कमरे में गुरुद्वारा बनाकर रखा गया है। हाथ से लिखे इस गुरु ग्रंथ साहिब का इतिहास भी काफी रोचक है। जानकारी के अनुसार इस ग्रंथ साहिब को गद्दी समुदाय के लोग कई वर्ष पूर्व पाकिस्तान के लाहौर से सिर पर उठाकर पैदल चलकर धर्मशाला लाए थे। हैरानी की बात है कि वैसे तो गद्दी समुदाय के लोग गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर ज्यादा मान्यता तो नहीं रखते हैं, बावजूद इसके गद्दी समुदाय का एक परिवार इसे संजोए रखे हुए है। आस्था ऐसी है कि गुरु ग्रंथ साहब को खरीदने के लिए कई लोग आए और करोड़ों रुपए के ऑफर तक दिए, लेकिन इस परिवार ने करोड़ों रुपए के ऑफर भी ठुकरा दिए हैं। आपको बता दें कि गुरु ग्रंथ साहिब को कुछ समय पहले धर्मशाला के दानडू में रखे गुरुद्वारे से चोरी भी कर लिया गया था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर गुरु ग्रंथ साहिब को लुधियाना से वापस धर्मशाला लाया था। उसके बाद इस पुरातन गुरु ग्रंथ साहिब को 250 से 300 वर्ष पुराने गुरुद्वारे से निकालकर निजी घर में रखा गया है ताकि ये दोबारा चोरी ना हो सके। गद्दी समुदाय के लोगों का कहना है कि इस गुरु ग्रंथ साहिब को उनके पूर्वज पाकिस्तान के लाहौर से लाए थे और ये उनके परिवार का हिस्सा है। इसे खरीदने के लिए कई लोग आते हैं और करोड़ों रुपए देना चाहते हैं। से इसको लाए थे ये गुरु ग्रंथ साहिब 300-350 साल पुराना है। ये हमारे पूर्वजन उस टाइम लाए थे जब मतलब यहाँ से कोई साधन नहीं था, बसों का नहीं था, ऐसे पैदल चल के वहाँ से लाए। पता नहीं किस हाथ से यहाँ लाए हैं, क्या हिसाब है उसका, वो तो पूर्वजन को ही पता है। और इधर जब से मतलब हमने तो वो देखे भी नहीं है जो हमारे बुजुर्ग थे, मतलब उस टाइम जो इसकी सेवा करते थे और उन्होंने मतलब ये सेवा भाव चलाए रखा। और अब ये पीछे जब ये चोरी हुआ तो वो इतना उससे पहले नहीं था, अब तो इसकी सेवा जैसे हम कर रहे हैं और ये सब गुरु की मेहर है जो कि आज हम इस सेवा कर रहे हैं और ये हमारे यहाँ पुराने ही निजी स्थान पर विराजमान है। तो गद्दी समुदाय से आप लोग ताल्लुक रखते हैं, हाँ, तो उसमें इतनी मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने गुरु ग्रंथ साहिब को संजो के रखा है, क्या कहेंगे? ये हमारे बुजुर्ग जो लेके आए थे तो उनकी जो भावनाओं से जैसे हम उनका आशीर्वाद है कि अब आज हम इसको इसकी सेवा में लगे हैं और सेवा कर रहे हैं। ऐसे तो गद्दी समुदाय में कोई इसका वो नहीं है इतना कि जैसे हमारे इसमें मान्यता नहीं है गद्दी समुदाय में, पर अब जैसे हम इसकी सेवा कर रहे हैं।